आई एवरी वन आई होप यू ऑल आर वेल वेलकम टू राइट गाइडेंस एंड एम्बिशन माई नेम इज़ अंजली सो इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ सिलेबस एंड एग्जाम पैटर्न डिस्कस करने वाली हूँ इंग्लिश फोर्थ सेमेस्टर का इससे पहले मैंने जितनी भी वीडियोज़ आपके साथ डिस्कस किया आई होप आपने वो अच्छे से देख ली होंगी इन वीडियो से रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो आई विल ट्राई जितना जल्दी हो सके मैं आपको रिप्लाई करूँगी सो इस वीडियो के अंदर मैं आपको शॉर्ट ट्रिक से बताने वाली हूँ किस तरीके से आपने अपना जो सिलेबस है वो कवर करना है और कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपने कवर करने हैं और बाकी वीडियोस तो अपलोड हो ही जाएंगी ऑलमोस्ट हो गई हैं कल तक और भी वीडियोस अपलोड हो जाएंगी आपके एग्जाम से पहले पहले आपके पोएम्स जो हैं वो देखते हैं आपके बुक के अंदर टोटल फोर पोएम्स गिवन है आपको फोर नहीं करनी है आपको थ्री करनी है वो रीज़न ये है क्योंकि आपको वहाँ पर ऑप्शन मिलने वाला है आपको जितने भी वहाँ पे क्वेश्चन आएंगे जो भी आप अटैम्प्ट करोगे मैं अभी आपके साथ जो है क्वेश्चन पेपर डिस्कस करूँगी तब आपको पता लग जाएगा तो पे फोर पोएम्स आपको आपको गिवन है फोर में से तीन करनी है और तीन सबसे ईजिएस्ट जो है वो पोएम्स अपलोड हो चुकी हैं ऑलरेडी आपको प्लेलिस्ट में वो मिल जाएंगी वो तीन पोएम्स कौन सी हैं सबसे पहले आपकी गुड बाय पार्टी फॉर मिस पुष्पा टी एस एंड देन उसके बाद रिफ्यूजी मदर एंड चाइल्ड एंड द लास्ट वन दिस इज अ फोटोग्राफ ऑफ मी आई विल एम्ब्रेस ओनली द सन तो ये वाली जो पोएम है आप अवॉइड कर सकते हो थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है थोड़ी सी डिफिकल्ट है तो अगर आप ये पोएम नहीं भी करोगे तब भी आपको तीन पोएम्स अच्छे से डिटेल में मैंने करवा दी हैं सारे क्वेश्चन वहाँ पे मिल जाएंगे पैसेज आपको मिल जाएंगे अगर आप ये तीन पोयम डिटेल में अच्छे से कर लोगे तो आप यहाँ पर एक पोएम स्किप कर सकते हो आपका क्वेश्चन पैटर्न ही इस तरीके का है कि आप एक पोएम और एक चैप्टर स्किप कर सकते हो लेट्स डिस्कस द चैप्टर्स यहाँ पे चैप्टर्स आपके पास फोर है इन फोर में से थ्री चैप्टर्स अगर आप अच्छे से डिटेल में कर लोगे तो आपको एक चैप्टर करने की जरूरत नहीं है आप एक चैप्टर यहाँ पे स्किप कर सकते हो तो यहाँ पर मैं आपको सबसे ईजिएस्ट चैप्टर्स करवाऊंगी जो आप इजिली वहाँ पर एग्जाम में लिख सको जैसे कि यहाँ पर फर्स्ट है आपका ऑन शेकिंग हैंड नेक्स्ट है आपका नो मैन इज एन आइलैंड एंड लास्ट वन इज़ फ्रीडम ऑफ द प्रेस ये तीन चैप्टर्स हम डिटेल में अच्छे से कर लेंगे कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो मैं इसमें नहीं करवाऊंगी आराम से इन वीडियोस को देखना नोट्स बनाना कोई ज़्यादा इतना डिटेल में कुछ नहीं है इन चैप्टर्स में बहुत ही इजी चैप्टर्स हैं ये लास्ट चैप्टर है डी द माइंड ये वाला जो है आप स्किप कर सकते हो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है बाकी चैप्टर्स के कंपैरिजन में टॉलेट्स डिस्कस द क्वेश्चन पेपर तो यहाँ पर आपके टोटल फोर्टी फाइव मार्क्स का क्वेश्चन पेपर होगा फाइव मार्क्स आपके कॉलेज की तरफ से लगेंगे एज अ इंटरनल असेसमेंट और ये जो है आपका थ्री आवर्स आपको मिलेंगे इस क्वेश्चन पेपर को करने के लिए अब यहाँ पर सेक्शन ए में एक आपको पैसेज दिया होगा वो आपने करना है ये पैसेज आपका फाइव मार्क्स का होगा जो कि कहाँ से आएगा पोएम में से आएगा तो पोएम तभी मैं आपको बोल रही हूँ फोर दिए हुए थे आपने तीन ही करनी क्योंकि यहाँ पर देखो आपको ऑप्शन मिल रहा है और कभी भी ऐसा नहीं होता कि जो यहाँ पर ऑप्शन दिया ना वो एक ही पोएम में से आ जाए जो पहला पैसेज है वो किसी एक में से होगा दूसरा पैसेज किसी एक पोएम में से होगा तो इसीलिए हम आराम से यहाँ पर जो पैसेज है वो अपना अटैम्प्ट कर सकते हैं जितनी तीन पोएम्स हमने की हैं क्वेश्चन नंबर टू टोटल आपके पास एट क्वेश्चन होंगे इन एट क्वेश्चन में से आपके पास ऑप्शन होगा आपको फाइव अटेम्प्ट करने होंगे एग्जाम में और जो ये एट क्वेश्चन है ये सारे के सारे पोएम में से होंगे इसमें से कोई भी चैप्टर का क्वेश्चन नहीं होगा और यहाँ पर जो आपको क्वेश्चन दिए जा रहे हैं आपको अगेन अगर आप देखो तो एट में से फाइव करने हैं तो तीन आप यहाँ पर स्किप कर सकते हो तो इसीलिए फिर दोबारा से वही ट्रिक हम इस्तेमाल कर सकते हैं कि आपको सारी पोएम्स करने की जरूरत ही नहीं है कि आपको यहाँ पे ऑप्शन जो है वो मिल रहा है यहाँ पर एक क्वेश्चन आपका टू मार्क्स का होगा और आप फाइव क्वेश्चन करोगे तो टू इंटू टेन मार्क्स के आपके ये क्वेश्चन हो गए नेक्स्ट आपका थर्ड क्वेश्चन होगा जिसके अंदर आपके पास टोटल फोर क्वेश्चन होंगे फोर में से आपने एग्जाम में दो करने होंगे अब ये जो आपके क्वेश्चन है ये आपके चैप्टर्स में से आएंगे तो अगेन आप देख लो यहाँ पे चैप्टर्स में भी आपको ऑप्शन मिल रहा है तो इसीलिए आपको सारे चैप्टर्स नहीं करने फोर में से सिर्फ थ्री ही चैप्टर्स आपको करने हैं क्योंकि आपको ऑप्शन यहाँ मिल जाएगा इजिली यहाँ पर जो एक क्वेश्चन होगा वो थ्री मार्क्स का होगा आप दो क्वेश्चन करोगे तो टोटल आपके सिक्स मार्क्स हो गए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर थ्री के अंदर नेक्स्ट आपका सेक्शन बी हम डिस्कस करते हैं यहाँ पे आपको एक पैराग्राफ लिखना होगा आपको तीन ऑप्शन मिलेंगे उन तीन में से एक आपने टॉपिक चूज कर कर वहां पर ऐसे लिखना होगा अब यहाँ पर 250 टू 300 हंड्रेड वर्ड्स लिखे है। तो आपका टू एंड हाफ पेज यानी कि ढाई पेजेस तक आपने या वहां पे पैराग्राफ लिखना होगा जो कि आपका फाइव मार्क्स का रहेगा क्वेश्चन नंबर फाइव इसमें आपने रिपोर्ट लिखनी होगी इसमें भी आपको ऑप्शन मिलेगा आपने हंड्रेड वर्ड्स में रिपोर्ट लिखनी होगी यानी कि वन एंड हाफ पेज में जो कि आपकी फोर मार्क्स की रहेगी नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर सिक्स ये आपका ग्रामर पोर्शन स्टार्ट हो जाएगा जिसके अंदर आपको नाउन दिए हैं उसको आपने वर्ब या फिर वर्ब्स दिए होंगे उसको एज अ नाउन लिखना होगा तो ये आपका फाइव मार्क्स का रहेगा नेक्स्ट आपका बी पार्ट है आपको यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं आपको जो सेंटेंसेज है उनको यहाँ पर एडजस्ट करना है यानी कि कंजक्शंस को फिट करना है नेक्स्ट आपका लास्ट होगा आपको ई डी एम्स एंड फ्रेजेस दिए ई डी एंड फ्रेजे पे तो ऑलरेडी वीडियो अपलोडेड है आई होप आपने वो देख ली होगी विल we'll ट्राई जितने टॉपिक्स मैं अपलोड कर सकूँ जितनी जल्दी आपके एग्जाम से पहले उतने में करने की पूरी कोशिश करूंगी अब काफ़ी ज़्यादा वर्क लोड है सब्जेक्ट्स काफ़ी हैं बट फिर भी मैं पूरी पूरा ट्राई कर रही हूँ कि आप तक जो वीडियोज़ हैं ये टाइम पर पहुंचे सो आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी अगर आपको कोई भी डाउट आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और उसके अलावा एंड में मैंने आपके लिए और क्वेश्चन पेपर्स भी अटैच कर दिए ताकि आपको कोई भी डाउट ना रहे एक बार रीडिंग देकर जरूर देखना कि जिस पैटर्न से मैंने आपको समझाया कि आप एक चैप्टर और पोयम जो है वो स्किप कर सकते हो आपको वही पैटर्न जो है क्वेश्चन पेपर्स में दिखाई देगा आई होप यू विल फाइंड दिस वीडियो इन्फॉर्मटिव एंड हेल्पफुल इफ यू हैव एनी डाउट रिलेड टू दिस वीडियो और सिलेबस प्लीज कमेंट बिलो शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब द चैनल सो दैट यू विल गेट द नोटिफिकेशन ऑन टाइम ऑल द बेस्ट अचीवर्स Have a nice day.